अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। तो मैं आफ्टर ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम आ चुकी है न्यू रेसिपी के साथ। तो मैं बोलती चलती हूँ कि आप रेसिपी है। तो ये रेसिपी का नाम है दाल और कटलेट्स। तो दाल ऑलरेडी हमने पहला वीडियो डाला था, बट यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा क्या सब्जी यूज़ किया है वो है कद्दू और पालक। तो आप देख लीजिएगा, अब वो सेम ही है जैसे कि टमाटे, प्याज, फिर लहसुन हर उतना ही डाल के फिर आपको क्या करना है, पालक डालना है इसमें। जैसे कि हमने कहा था, पालक और कद्दू यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये चॉप करके इसे हम पकानेंगे। इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे जैसे कि नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालिएगा, फिर गरम मसाला और धनिया पाउडर। इतना डाल के मिक्स करने के बाद आप कितनी एक या दो सीटी तीन सीटी आए तक आप पका लीजिएगा। फिर रसम पाउडर, हाँ रसम पाउडर भी डालना मत भूलिएगा थोड़ा बहुत। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मसाले मिक्स कर रही हैं, हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, रसम पाउडर और रेड चिली पाउडर आपके हिसाब से आप डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे ज़ीरा मेथी हम ये साइड में साइड इंग्रेडिएंट्स की जगह रख लेते हैं। जैसे कि इसमें हम सिर्फ ज़ीरा मेथी और जो चावल होते हैं उसे भून के हम किसी भी साले में इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ इसे ज़ीरा मेथी और चावल को भून के एक डब्बे में स्टोर कर लीजिएगा। तो हमने पकाने के लिए रख दिया है, तीन सीटियाँ आने तक हम जपेंगे। यहाँ पे हम साइड में चने की दाल और ये गोश्त, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज ये मिक्स करने के बाद थोड़े बहुत मसाले ऐड करेंगे। ये हम कटलेट्स की तैयारी कर रहे हैं साइड में, मतलब शामी कबाब। तो देखें यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और फिर डालेंगे धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो यहाँ पे ये जो धनिया है मतलब कोरिएंडर लीव, उसे काटने के बाद यहाँ पे गरम मसाला डाला था। आप पहले भी डाल सकते हो, उसके बाद भी डाल सकते हो, नो इश्यूज़। तो आप इसे अच्छा पकाने के बाद थोड़ा वाटर ऐड करके एक दो सीटी आए उतना पकाइए। और जब आप ये आलू मिक्स किया है, ऑब्वियसली कटलेट्स में आलू बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये थोड़ा पानी, इसे हम दो सीटी तक पकाएंगे। ये गरम मसाला मैंने जब आपको पहले ही बोला था, धनिया और गरम मसाला पहले भी डाल सकते हो या बाद में भी डाल सकते हो। ये थोड़ा बहुत तेल ऐड किया था। तो ये दाल है, हमने तुअर की दाल हमने बनाई थी। तो ये पूरा हो जाने के बाद, थ्री सीटीज आने के बाद यहाँ पे घोट लिया था मम्मी ने। अब यहाँ पे बघार की तैयारी हो रही है। तो ऑब्वियसली प्याज, लाल मिर्च आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और फिर जो कद्दू, राई डाल के फिर कद्दू जो होता है उसे मिक्स करके बघार अच्छे तरह से फ्राई करने के बाद जो हमने दाल घोटा था वो मिक्स कर देंगे। ये कद्दू
तो ये लास्ट में जो खोटा था दाल हमने वो मिक्स कर लिया। फिर हम प्लेट ढक देंगे, धीमी आंच पे इसे थोड़ा गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर आपकी दाल तैयार हो जाएगी। ये साइड में जो हमने कटलेट्स की तैयार की थी, तो आप देखिए थोड़ा पानी बचा हुआ है, तो इस हिसाब से आप जो है दूसरी कढ़ाई में इसे डाल लीजिएगा। डालने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। जो आलू होते हैं, आलू साइड तो आपको आलू काट साइड में निकाल लेना है, क्योंकि आलू ऑब्वियसली इसमें मिक्सर में नहीं पीस सकते, ख़राब हो जाएगा। तो उसे साइड में रख के इसे ग्राइंड करने के बाद तो देख सकते हैं आलू जो लास्ट में हमने साइड में रखा था वो ठंडा होने के बाद हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, अच्छा गून लेंगे। ये जो मम्मी थोड़ा थोड़ा करके आलू डाल रहे हैं ताकि अच्छा मिल जाए आलू आटे में। फिर अच्छी तरह से वो मसाले जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाए तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो आपको मिक्स अच्छा करना है, ग्राइंड अच्छा गूनना है आटे को। इसके बाद आपका कटलेट्स का जो आटा है तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप फ्राई कर लीजिएगा। तेल गरम कर दो। तो हमेशा जो भी अगर कोई फ्राई कर रहे हैं चीज़ों, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि अच्छे तरीके से जो तेल है वो अच्छा गर्म होने के बाद आप जो चीज़ फ्राई करना चाहते हैं उसे ऐड करें तेल में, वरना जो जो चीज़ बनाना होता है फ्राई करना तो ख़राब हो सकती है। ये कटलेट्स में हमने एक्चुअली कटलेट्स आपको जब लगता है कि टूटने लगे हैं तो आप इसमें एग ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं एग ऐड करना। और कभी भी जब कटलेट्स बनाते हैं तो तुअर की दाल चने की दाल जो है थोड़ा लीजिए और गोश्त ज़्यादा क्वांटिटी में रहे। तो यही प्रोसीजर है। अगर आपको पसंद आए हो हमारा रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़रूर ट्राई करें कटलेट्स दाल, और ये सब ट्राई करके हमें बताएं किस तरह आपको रेसिपी लगी खाने में देखने में। नेक्स्ट मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।